नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ दो जैसा सवाल वैसा जवाब पढ़ेंगे। पाठ दो जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। राजा अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे और इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे और वो उन्हें मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की तो तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? अकबर का एक खास दरबारी था ख्वाजा सरा। उसे अपनी बुद्धि और विद्या पर बहुत ही घमंड था। वो बीरबल को अपने सामने नासमझ बालक और मूर्ख समझते थे और वो ऐसा सोचते थे हमेशा उनको नीचा दिखाने की। और वैसे तो देखा जाए तो बीरबल की ही तूती बोलती थी। तूती बोलने का मतलब होता है बच्चे कि उन्हीं की धाक बीरबल की ही चलती थी, बीरबल की बातों को ज़्यादा सुना जाता था। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तो इस नक्कार खाने में तूती की आवाज़ का मतलब होता है ऐसी बात जिस पर कोई ध्यान ना दे। तो ख्वाजा सरा की बात को कोई सुनता ही नहीं था। तो ऐसे ही जो ख्वाजा सरा थे वो बहुत ही बीरबल से चिढ़ने लगे, बहुत ही जलने लगे और वो सोचते थे कि कैसे ना कैसे करके मैं इन बीरबल को हिंदुस्तान से बाहर निकलवा दूं। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने की सोची और उसने बहुत सोच विचार करके तीन बहुत से मुश्किल प्रश्न ढूंढ के वो लेके आ गया। और उसने सोचा कि अगर ये प्रश्न मैं राजा को बताऊं और राजा अगर बीरबल से इन प्रश्नों को पूछेगा और जो बीरबल है उनके सही उत्तर नहीं दे पाएगा तो राजा को समझ में आ जाएगा कि मैं बीरबल से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ और जो मेरे आगे जो बीरबल है वो कुछ भी नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे तीन सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें, उस नकली अकल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे तीन प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उसके उत्तर दे सकोगे? ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर, अचकन का मतलब होता है बच्चे एक अंग रखे की तरह का लंबा पहनावा, एक तरह का कुर्ता ही होता है। तो ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए अकबर के पास गए और बोले कि बीरबल अपने आप को बड़ा बुद्धिमान बनता है और आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों में आ जाते हैं और आप भी उसको बुद्धिमान समझने लगते हैं। तो मैं चाहता हूँ महाराज कि आप मेरे तीन सवालों के जवाब पूछें बीरबल से, और इस प्रकार आप जब मेरे प्रश्नों के उत्तर उनसे पूछेंगे तो उनमें कितना दिमाग है, उनके दिमाग की गहराई का पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि वो कितने बुद्धिमान हैं। और वो जो नकली अकल बहादुर की कलाई खुल जाएगी, मतलब वो असलियत में बुद्धिमान है या नहीं, इसका भेद भी खुल जाएगा। तो ख्वाजा सरा के आग्रह करने पर अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा कि ये जो परम ज्ञानी ख्वाजा साहब हैं ये तुमसे तीन प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो बीरबल तुम उनके प्रश्नों का क्या उत्तर देना चाहोगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा।
खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। बीरबल ने कहा, हाँ महाराज जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। तो ख्वाजा सरा ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। और अकबर ने बीरबल से पहला सवाल पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है? तो बीरबल ने तुरंत ही जमीन पर जहाँ पर बीरबल खड़े थे वहीं पर उन्होंने एक छड़ी को गाड़ दिया और बोला, यही स्थान दुनिया के बीचों बीच है, तो यही संसार का केंद्र है। अगर ख्वाजा सरा को विश्वास ना हो तो वो क्या करे, दुनिया को नाप ले, एक फीता लेके जाए और सारी दुनिया को नापें और मेरी बात को गलत साबित कर दें। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब बादशाह ने दूसरा सवाल पूछा कि आसमान में कितने तारे हैं? तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, इसके शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और अगर ख्वाजा साहब को जरा भी शक हो तो वो बालों को गिन लें और दोनों की तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक मुंह सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। अब अकबर ने तीसरा सवाल पूछा कि संसार की आबादी कितनी है? आबादी का मतलब होता है बच्चों जनसंख्या। तो बीरबल ने कहा, महाराज संसार की जनसंख्या तो हर पल बदलती रहती है, क्योंकि लोगों का जीना मरना लगा रहता है। तो ये हो सकता है कि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए और फिर मैं उनको गिनकर सही सही संख्या बता दूंगा। तो राजा को तो संतुष्टि हो गई, लेकिन जो ख्वाजा साहब था उसे संतुष्टि नहीं। वो बोला, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। तब बीरबल ने कहा, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित करो और तब आगे आप बोलो। तो ख्वाजा साहब से फिर कुछ भी बोलते नहीं बना और वो चुप हो गए। तो बच्चों ये था हमारा पाठ, जैसा सवाल वैसा जवाब। तो जैसे ही हमारे सवाल होंगे उनके जो जवाब है वो वैसे ही होंगे। आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।